हेलो एवरीवन, आई एम एन मैथमेटिक्स टीचर इन आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल खाई सिरगढ़। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट चैप्टर सेकेंड एक्सरसाइज 2.B। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मल्टीप्लाई ए पार्ट इसका 2.3 × 11। मल्टीप्लाई के अंदर ऊपर वाले की ऊपर के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है, नीचे डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर के साथ हो जाती है। तो 2 × 11/3, नीचे का डिनोमिनेटर पूरे का ले लेंगे, इधर 1 है तो जिसके नीचे नहीं होता उसका 1 होता है। तो 3 × 1 = 3, तो नीचे 3 ले लेंगे, ऊपर 2 × 11। 2 × 11 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 22/3। इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन के अंदर चेंज कर देंगे, 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 × 7 = 21, तो 7 इसका आंसर आ जाएगा, 1 रिमाइंडर बच गया, ऊपर आ जाएगा न्यूमिनेटर हो जाएगा, 3 है वो डिनोमिनेटर हो जाएगा। तो इस तरह ये मिश्रित फ्रैक्शन के अंदर चेंज हो जाएगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन के अंदर। इसका बी पार्ट है 4.9 × 15। तो इसी तरह फर्स्ट पार्ट की तरह ही 15 के नीचे डिनोमिनेटर नहीं है तो इसका 1 हो जाएगा, ऊपर वाले की मल्टीप्लाई कर देंगे नीचे वाले की नीचे वालों के साथ कर देंगे। तो 4 × 15/9 × 1 = 9, 4 × 15 = 60/9, इसको हम कैंसिल आउट कर देंगे तो ये 3 से कैंसिल आउट हो रहा है दोनों नंबर, तो नीचे 3 से कैंसिल आउट करेंगे तो 3 × 3 = 9 होता है, तो 3 × 3 = 9, तो 3 इसका आंसर और आ जाएगा, ऊपर 60 है तो 3 × 2 = 6, 6 से कैंसिल आउट, नीचे 0, 0 से 0 हो जाएगा, 20 पर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 20/3 आ जाएगा। 20/3 को मिक्स्ड फ्रैक्शन के अंदर चेंज करेंगे तो 6 × 2/3 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है इसका 1 × 5/11 × 12। तो इसके अंदर हमें पहले इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को चेंज करना पड़ेगा, तो इसको चेंज करेंगे तो 11 × 11 = 11, 11 + 5 = 16, 16 × 12 = 11, 16 × 12 = 11, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 192 आ जाएगा अपॉन 11। इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन के अंदर चेंज करेंगे तो 17 × 5/11 इसका आंसर आ जाएगा। सी पार्ट इसका जो डी पार्ट है वो वही सेम है, इसी की तरह ही 7 × 3/7/21 है, तो इसको हम पहले चेंज कर लेंगे फिर इनकी मल्टीप्लाई कर इसका आंसर आ जाएगा। ई पार्ट भी इसी तरह सेम है, 1 × 3/5 × 0, 0 की किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 आएगा, तो इसका आंसर 0 हो जाएगा। एफ पार्ट 1/2 × 3/4, 1/2 × 3/4, तो इसकी ऊपर वाले की ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई, नीचे पहले तो क्या था इंटू थ्री, जो इंटू में थी कम उसका डिनोमिनेटर नहीं था, इसका डिनोमिनेटर है 3 × 4, तो ऊपर वाले की डिनोमिनेटर के अपने साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 3/2/4, 3 × 1 = 3 आ जाएगा, 2 × 4 = 8 आ जाएगा, तो 3/8 इसका आंसर आ जाएगा। इसमें जिसे ऐड करते हैं तो इसका हमें डिनोमिनेटर सेम करना पड़ता है पहले, इसका एलसीएम लेकर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड के अंदर इसको सेम नहीं करना पड़ता, सिंपल इसकी मल्टीप्लाई हो जाती है ऊपर वाले के साथ नीचे वाले के नीचे वाले के साथ। एच पार्ट इसका 6/5 × 25/36, तो इसको हम पहले 6 × 25 की मल्टीप्लाई कर लेंगे, ऊपर नीचे 5 × 36 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 आ जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे नीचे 180 आ जाएगा, तो इसको 0 से 0 कैंसिल आउट कर देंगे, फिर ये 3 पर कैंसिल आउट हो रहा है दोनों 15 और 18, तो 18 तो होगा 6 पर और 15 हो गया 5 पर, तो 5/6 आ जाएगा इसका आंसर। इसको हम यहीं पर भी कैंसिल आउट कर सकते हैं, 6 को 36 से कैंसिल आउट हो रहा है, तो 6 6 = 36 होता है, तो इसको हम यहाँ पर भी कैंसिल आउट कर सकते हैं 6 से,
और फाइव है वो 25 है वो 5 से कैंसिल आउट हो रहे, तो 5 5 जा 25, इसको यहाँ पर कैंसिल कर सकते हैं। तो यहीं से सीधा आंसर आ सकता है इसका 5/6, या इसको आगे मल्टीप्लाई कर इसको कैंसिल आउट करो, या यहीं पर कैंसिल आउट कर सकते हैं इसको। इसके सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 3/5 इंटू 15/16 इंटू 4/7। तो इसको हम पहले कैंसिल आउट कर लेंगे, जो नंबर कैंसिल आउट हो रही हैं, 5 है वो 15, 15 है वो 5 से कैंसिल आउट हो रहे थे, तो 5 3 जा 15, तो ये 5 3 जा कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 पर ये 4 16 है वो 4 से हो रहा है, तो 4 4 जा 16, तो ये 4 पर कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 1 पर हो जाएगा। तो 3 × 3 9 9 आ जाएगा नीचे, 7 × 4 28 इसका आ जाएगा, तो 9/28 इसका ये आंसर हो जाएगा। इस तरह इसकी मल्टीप्लाई करनी है, पहले कैंसिल आउट करना है, फिर जो नंबर बच गए उनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, 1/2 × 7/12 × 18/35। तो इसको पहले ये कैंसिल आउट हो रहा है, 35 है 7 से हो रहा है, तो 7 1 जा 7 7 5 जा 35, और ये जो 12 है और 18 है ये 3 पर कैंसिल आउट हो रही हैं, तो 3 4 जा 12 और 3 6 जा 18 ये कैंसिल हो रही, 6 और 4 पर, फिर ये 6 और 2 से कैंसिल आउट हो रहा है, तो 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, तो ऊपर 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 3/4 × 5 20 हो जाएगा, 3/20। इसका सी पार्ट है 6 × 3/10 × 2 × 1/7 × 5/9। तो इसको पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन को चेंज कर लेंगे, 10 × 6 60 + 3 63/10, 7 × 2 14 14 + 1 15/7 5/9। तो इसको जो कैंसिल आउट हो रहे हैं नंबर उनको कैंसिल आउट कर देंगे, ये 5 है ये 10 है ये 5 से हो रहा है, तो 5 × 2 1 5 5 2 10, तो ये 2 पर कैंसिल आउट हो जाएगा। ये 7 है ये 63, 7 से कैंसिल आउट हो रहा है, तो 7 × 2 1 7 7 9 जा 63, तो ये 9 पर कैंसिल आउट हो जाएगा, 9 9 से कैंसिल आउट हो रहा है, तो 9 × 2 1 9 9 × 2 1 9 हो जाएगा। अब जो नंबर बच गए उनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 पर तो 15 नंबर है, नीचे 2 है, तो 15/2 इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन के अंदर चेंज कर देंगे। तो इसके जो बाकी के पार्ट हैं वो ऊपर वाले क्वेश्चन में जो आपको पार्ट आपके छोड़े हैं वो सभी सेम पार्ट हैं, सभी क्वेश्चन सेम है, वैसे आपको कुछ करवा दिए गए हैं, बाकी आपको खुद करने हैं। इसमें जो बचे हैं वही सेम है, डी है ई है ये सभी सेम है, आसान क्वेश्चन है बिल्कुल, आपको खुद कर आसानी से हो जाएंगे आपके। तो इसका 3 नंबर क्वेश्चन है फाइंड दी वैल्यू ऑफ 3/4 ऑफ 32 kg। हमें इसमें क्या करना है, 32 kg का 3/4 पार्ट निकालना है। सेकंड क्वेश्चन है जिससे 2/7 ऑफ 1 वीक, 1 वीक का सेव 2/7 पार्ट निकालना है। अभी 1 वीक के अंदर कितने डे होते हैं, 7, तो 7 डे में से 2/7 इसका पार्ट निकालना है हमें सभी का। तो फर्स्ट क्वेश्चन पार्ट देखेंगे इसका, 3/4 ऑफ 32 kg, तो 3/4 × 3 किसका पार्ट निकालना है, 32 का, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 32। अब जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल आउट कर देंगे, 4 8 जा 32, तो ये 8 पर कैंसिल आउट हो जाएगा, 8 × 3 24 kg आ जाएगा। 32 का 3/4 पार्ट है वो है 24 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या था, 2/7 ऑफ 1 वीक, 1 वीक का 2/7 पार्ट निकालना है, तो 1 वीक के अंदर कितने डे होते हैं, 7 डे होते हैं, तो इसको हम 7 1 वीक का 7 डे लिखेंगे, 2/7 × 7, 1 वीक के अंदर 7 डे होते हैं, तो 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 डेज आ जाएगा, तो 2 डेज इसका 2/7 पार्ट होता है। सी पार्ट है इसका 5/8 ऑफ 20 मीटर, 20 मीटर का 5/8 पार्ट निकालना है, तो 5/8 × 20 ये किस पर कैंसिल आउट हो रहा है, ये 4 पर हो रहा है, तो 4 × 2 8,
ये नीचे टू ऊपर हो जाएगा, ऊपर फोर इंटू फाइव 20, तो ये फाइव ऊपर हो जाएगा। तो 5 × 5 = 25/2, इसको मिक्सड फ्रैक्शन के अंदर चेंज कर देंगे। डी पार्ट 7/2 ऑफ वन डे, वन डे का 7/2 एट पार्ट निकालेंगे। वन डे का 7/8 पार्ट निकालना है तो वो किस में आएगा, हावर्स के अंदर आएगा। तो इसको हम पहले वन डे को, वन डे में कितने आवर्स होते हैं वो लिख लेंगे, तो 24 आवर्स होते हैं। तो 7/2 × 24, जिस तरह हमने वन वीक के अंदर लिखा था 7 डे, इसी तरह हम वन डे के अंदर हावर्स लिखेंगे 24। 8 × 3 = 24, तो ये 3 पर कैंसिल आउट हो जाएगा 3, तो 7 × 3 = 21 आवर्स आंसर आ जाएगा। इसका ई पार्ट है वो भी सेम आसानी से हो जाएगा। एफ पार्ट देखो 4 × 1/5 ऑफ 1/3, तो इसको चेंज कर लेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन को। 5 × 4 = 20 + 1 = 21/5 × 1/3, तो इसको ये 21 है, ये 3 से कैंसिल आउट हो रहा है, तो 3 × 1 = 3, 3 × 7 = 21, 7 आ जाएगा। तो 7/5 इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन के अंदर चेंज करेंगे तो आ जाएगा 1 × 2/5। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाकी जो पार्ट हैं जैसे 4.9/1/24, इसी को सेम इसी तरह करना है। एच पार्ट है 1/3/15/16, ये भी सेम हो जाएगा, आई भी सेम हो जाएगा। तो आज आपको ये फर्स्ट 3 क्वेश्चन करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आई तो आप नीचे कमेंट कर देना, आपको नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करवा देंगे।